ओके कार्तिक, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, आज स्क्रीनिंग है, सारे को स्टार्स मौजूद हैं, आप कितना एक्साइटेड फील कर रही हैं अपने आप को बिग स्क्रीन पर काफ़ी लंबे समय बाद देखने के लिए? हाँ एक्चुअली बिग स्क्रीन पे मैंने थप्पड़ के बाद अभी देखा है अपने आप को, एंड ये है, ये भी ओटीटी रिलीज है, सो इन अ वे एक्साइटमेंट होती है बिग स्क्रीन पे देखने की, बट वो जो बॉक्स ऑफिस का प्रेशर होता है वो नहीं होता है, तो वो एंग्जाइटी नहीं होती है, तो वो डिफरेंस है. बाकी तो आई थिंक दिस फिल्म वॉज मेड फॉर बिग स्क्रीन. हमने जब बनाई थी, सोच के बनाई थी कि थिएटर में रिलीज होगी, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो थिएटर पे अच्छा लगता है, इसलिए स्क्रीनिंग रखी गई सब. राइट. लेकिन यू नो, जैसे कि आपने कहा 2 साल बाद आप अपने आप को देख रही हैं बड़े स्क्रीन पर, और उसका कुछ अलग ही ये रहता है, कैसा फील कर रही हैं आज? और बाकी अब नॉर्मलाइज हो गई है चीज़ें, तो फिल्में और दूसरी भी रिलीज़ होंगी, कौन सी फिल्म देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है? जो भी रिलीज़ होगी मैं जाके देखूंगी भाई, बहुत टाइम हो गया रिलीज हुए पिक्चर थिएटर में, जो भी रिलीज़ हो रही है मैं जाके देखूंगी. बीच में जब पिक्चर रिलीज होनी शुरू हुई थी तो मैंने 1 जनवरी 2021 को जाके वंडर वुमन देख ली थी थिएटर में, ये सोच के 1 जनवरी को जो होता है, जो करते हैं वो पूरे साल होता है, अब उसके साथ पूरा साल तो हुआ नहीं, तो अब जो भी आएगी मैं देख लूँगी. ओके, इसके अलावा यू नो तापसी, बहुत टाइम आपसे सवाल किया गया है जब आपके मेल को स्टार्स रहते हैं तो, कि मतलब आपको जब स्क्रीन स्पेस ज़्यादा नहीं मिलता, तो इस बार तो आपको स्क्रीन स्पेस पूरा मिला है मेल को स्टार होने के बाद. नहीं, लोगों ने आपसे सवाल पूछा है इस चीज़ के बारे में कि मतलब आपको स्क्रीन स्पेस ज़्यादा नहीं मिला, पर इस बार आप कब नहीं मिला भाई मेरी पिक्चरों के बाद? कई बार आपसे पूछा गया है, जर्नलिस्ट ने पूछा है आपसे, तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ. हाँ, तो कई बार पूछा गया है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इस पिक्चर में तो मतलब आप ही पूरी हीरो होते हुए भी आप ही पूरी फिल्म की हीरो है, तो कैसा फील करती हैं इस चीज़ के लिए? मैंने कभी इसको इस तरीके से नहीं देखा. पिक्चर की जो कहानी थी, उसके किरदार का क्या जेंडर था, उसके बेसिस पे मुझे चूज किया गया या मैंने किया. अगर आदमी की स्टोरी थी तो आदमी होता. मैंने कभी उसको जेंडर के तरीके से नहीं देखा था कि अब मेरे को मिल रहा है सेंटर स्टेज पे कैसा फील हो रहा है, तो नहीं, मैंने ये इस तरीके से मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था सोच. और एक स्क्रीनिंग ऑलरेडी हो गई है, लोगों ने फिल्म देख ली है, किस तरीके से रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. तो रियल तो आई जनरली वेट फॉर 15 बिकॉज जनता बताती है रियल तो क्या होने वाला है. तो अभी तक तो गेस्ट एंड हमारे जो पास फैमिली मेम्बर सब ने देखा है, वो अच्छा है रिस्पॉन्स. बाकी रियलिटी तो 15 के बाद तक सुनी. आपने देखी फिल्म? जी हाँ. क्या कहना चाहेंगे अपने एक्टिंग के बारे में? मैं कुछ क्रिटिसाइज एक्टिंग के बारे में ग्रेट नहीं बोलती हूँ. मुझे कभी ऐसा लगता नहीं है कि मैंने कोई फैंटास्टिक काम कर दिया, मुझसे बेटर एक्टर तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, ऐसी फीलिंग मुझे अपने बारे में बिल्कुल नहीं है. मेरे को हर बार लगता है कि देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. वेल, आपने इंस्टा पर पोस्ट किया अगली फिल्म की शुरुआत कर दी है आपने. खत्म होने वाली है अब तो. हाँ, खत्म होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ, 10 दिन में खत्म हो जाएगी. थैंक यू. सबसे छोटा क्रू मेंबर होगा आपके बेटे ने बनाने पिक्चर बहुत कमाल बहुत हो गया you were
मैं कर रहा था पत्थर पे लिख के दूंगा सब बाकी 15 मतलब चलेगा पहले बना लेते Thank you.
आगे चलो या लुक एट या मैम सेंटर मैम योर राइट फॉर लुक एट सेंटर Thank you. Let's have rocket pose, please. Rocket pose. What is this? Please, you know this guy. Okay, okay, we do this. This guy. Yes, ready? No. 3, 2, 1. That's we're covering each other. ये तरह से बजो रतन रतन लाइट देने बोल आवाज़ आ रहा है।